नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने SBI ATM कार्ड का पिन भूल गए हैं, नया पिन बनाना है या अपने ATM कार्ड का पिन बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी नई वीडियो को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे के प्रोसेस के लिए हम स्टेट बैंक के ATM में आ चुके हैं। यहाँ पर अपने ATM कार्ड को ATM मशीन में इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद ATM कार्ड को ATM मशीन में इंसर्ट करने के बाद आप डिस्प्ले पे देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन डोमेस्टिक को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद दोस्तों इसी इंटरफेस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यस ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन शो कर रहा है, इसमें हमें सेकंड ऑप्शन सेट पिन को क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए सेट पिन को क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि प्लीज इंटर योर अकाउंट नंबर ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। चलिए अकाउंट नंबर एंटर करते हैं। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे में साइड में देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन प्रेस इफ करेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ सेकंड रुकने के बाद स्क्रीन पे आप देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा है चेक OTP योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इट रिसीव्ड। दोस्तों, हमारे पास पहले से OTP तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद दोस्तों इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं शो कर रहा है चेक OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इफ रिसीव्ड प्रेस कंटिन्यू। दोस्तों, इसके बाद आपके बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका होगा, इनबॉक्स में चेक कर लें। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू एंड कैंसिल ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं शो कर रहा है प्लीज इंटर 4-डिजिट OTP रिसीव्ड ओवर SMS। दोस्तों, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उस OTP को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। चलिए OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन शो कर रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्लीज एंटर योर न्यू पिन। यहाँ पर अपने ATM कार्ड के लिए यहाँ पे 4-डिजिट का नया पिन क्रिएट करना है, बनाना है, उसके लिए बॉक्स में 4-डिजिट का न्यू पिन यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए अपना नया पिन यहाँ पे एंटर करते हैं। दोस्तों, पिन एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे प्लीज री इंटर योर न्यू पिन, अपने नए पिन को यहाँ पे दोबारा से एंटर करेंगे जो अभी क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, उस 4-डिजिट पिन को दोबारा से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड रुकने के बाद प्रोसेस कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।